अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं हिना आदिल। और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आगाज एक बड़ी खबर से। जमान पार्क में पीटीआई के बड़ों की बड़ी बैठक। पीटीआई 2 से 3 दिन में असेंबलियां तोड़ने की हतमी तारीख देगी। जमान पार्क में पीटीआई के बड़ों की बड़ी बैठक। पीटीआई 2 से 3 दिन में असेंबलियां तोड़ने की हतमी तारीख देगी। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का अजलास जुमे को बुला लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मुतालिक तहरीक इंसाफ की सीनियर क्यादत का बड़ा फैसला। दोनों सूबाई असेंबलियों को तहलील करने सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियों से अपने अरकान के इस्तीफों की पार्टी चेयरमैन के फैसले की तौसीक कर दी। जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क्यादत का 2 घंटे से ज़ायद तवील इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने क्यादत के फैसले के बारे में आगाह किया। इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात होगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड जो हैं उनकी तशकील दी जा रही है और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन नून लीग का तर्जमान मत बने। आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन है, आप वो काम करें जो आपका काम है। हमें उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असेंबलियां तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, आजम सवाती के बेटे ने खदशा जाहिर किया है कि इनके वालिद को कत्ल किया जा सकता है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।